मध्य प्रदेश में मोहन सरकार के 6 महीने पूरे हो चुके हैं। 6 महीने पूरे होने के साथ ही मोहन सरकार में अब बगावती सुर भी सुनाई देने लगे हैं। बगावती सुर ऐसे की बात इस्तीफे तक आ चुकी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और अलीराजपुर से विधायक नागर सिंह चौहान की, जो फिलहाल बगावत किए बैठे हैं। और बगावत ऐसी कि सिर्फ अपना नहीं बल्कि उनकी पत्नी जो कि झाबुआ से सांसद हैं अनीता नागर सिंह चौहान, उनको भी इस्तीफा दिलाने की बात कह रहे हैं। सवाल ये कि क्या मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनके हाथों से बात निकल चुकी है, क्योंकि माना जा रहा है कि अब ये पूरा मामला दिल्ली आलाकमान के पास पहुंच चुका है। पूरा मामला क्या है, आगे क्या कुछ होने वाला है, विस्तार से आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सियासत फिलहाल काफी ज्यादा गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश के सियासी गलियारों में इस्तीफे की गूंज सुनाई दे रही है। इस्तीफा कोई और नहीं बल्कि बीजेपी विधायक, या यूं कहें कि हाल ही में कैबिनेट मंत्री पद से हटाए गए नागर सिंह चौहान की है। आपको बता दें कि नागर सिंह चौहान मोहन कैबिनेट का हिस्सा रहे, उनको वन एवं पर्यावरण मंत्रालय दिया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव में बीजेपी में होती है रामनिवास रावत की एंट्री, जो कि कांग्रेस से विधायक थे श्योपुर की विजयपुर विधानसभा से। हाल ही में आपको बता दें कि रामनिवास रावत को मोहन कैबिनेट में शामिल किया गया, मंत्रालय कौन सा मिलेगा इसको लेकर काफी मंथन हुआ। इस बीच मोहन यादव दिल्ली का एक चक्कर भी लगाकर आ गए और उसके बाद नागर सिंह चौहान से उनका विभाग लेकर रामनिवास रावत को दे दिया गया, जिसके बाद बीजेपी में मध्य प्रदेश में बगावत शुरू हो गई। नागर सिंह चौहान का एक बयान आता है जिसमें वो ये कहते हैं कि उनसे क्योंकि उनका विभाग ले लिया गया है, वो अब अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में वो इस्तीफा दे देंगे। इतना ही नहीं, नागर सिंह चौहान ये भी कहते हैं कि वो अपने साथ साथ अपनी पत्नी से भी इस्तीफा दिलवाएंगे, जिन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी, जो कि झाबुआ से सांसद हैं। दर्शकों को बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेताओं को बीजेपी में तरजीह मिलने के बाद से लगातार बगावती सुर कभी कभार सुनने को मिलते हैं, लेकिन बात कभी इस्तीफे तक नहीं आई। लेकिन अब नागर सिंह चौहान के इस बयान के बाद से मध्य प्रदेश की राजनीति जहां एक तरफ गर्मा गई है, वहीं आपको बता दें कि बीजेपी आला कमान भी एक्टिव हो गया है। माना जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मोहन यादव से बात की है और उसके बाद ये पूरा मामला अब भोपाल की जगह दिल्ली शिफ्ट हो गया है, यानी कि इस पूरे मामले का मैनेजमेंट अब दिल्ली में होगा, यानी कि नागर सिंह चौहान को मनाने की कवायद अब दिल्ली बीजेपी करती हुई दिखाई देगी। सूत्रों की माने तो ये माना जा रहा है कि नागर सिंह चौहान को दिल्ली से बुलावा आ गया है और अब वो जल्द ही दिल्ली कूच करेंगे, जहां पर दिल्ली में बैठा बीजेपी आला कमान उनकी तमाम बातों को सुनेगा और उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करेगा। लेकिन इस बीच में माना यह जा रहा है कि अब बात मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के हाथ से निकल चुकी है, या यूं कहें कि फिसल चुकी है, और अब पूरा मामला भोपाल की जगह दिल्ली शिफ्ट हो गया है। वहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर मोहन यादव अपने विधायकों को नहीं संभाल पा रहे। आपको ये बता दें कि रामनिवास रावत के कैबिनेट में शामिल किए जाने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के कई पुराने कद्दावर नेताओं के बयान सामने आए थे, जिसमें से गोपाल भार्गव का बयान भी काफी चर्चा में आया था, जिसमें उन्होंने उन्हें कैबिनेट में ना शामिल किए जाने पर दुख जाहिर किया था। आगे अगर हम बात करें तो अमरवाड़ा उपचुनाव में बीजेपी से जीते हुए कमलेश शाह भी कतार में लगे हुए हैं, उनकी एंट्री भी कैबिनेट में हो सकती है। ऐसे में आने वाले वक्त में मध्य प्रदेश बीजेपी में बगावत के सुर बढ़ सकते हैं। फिलहाल ये माना जा रहा है कि ये पूरी बात अब मोहन यादव के हाथ से फिसल चुकी है और ये पूरा मामला अब दिल्ली जा चुका है। ऐसे में अगर आने वाले वक्त में बीजेपी में बगावत होती है तो हो सकता है कि उसका निराकरण भी दिल्ली में ही हो, लेकिन फिलहाल सीएम मोहन यादव की सरकार में हलचल बढ़ गई है और बगावती सुर बीजेपी नेताओं ने अख्तियार कर लिए हैं। रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।